Mutter. Bolo. कॉफी? मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं आई, जो बात करनी है जल्दी करो, फिर मुझे जाना है। मीनाल, तुम हम दोनों का नुकसान कर रही हो। नुकसान तो बहुत हुआ है, अब तुमसे रिश्ता खत्म करके इस नुकसान को कम करना चाहती हूँ। तुम सिर्फ मुझे सजा देना चाहती हो, दैट्स इट। जुर्म की सजा ही मिलती है। कैसा जुर्म? मैंने कौन सा जुर्म किया है? तुम्हें बगैर बताए क्लिनिक में पेशेंट्स देखना? नो, लेट मी करेक्ट यू। मुझसे छुप कर नहीं, मुझसे झूठ बोलकर पेशेंट्स देखना। तुम्हें क्या लगा था जिंदगी भर मुझे बेवकूफ बनाते रहोगे, मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने कोई जुर्म नहीं किया है मीराल। मैं तब भी तुम्हारी खुशी चाहता था, अब भी तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे आजाद कर दो। तुम मुझसे आजादी चाहती हो? लिख कर दूँ? नहीं, थोड़ा वक्त दो, ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा तुम्हारी। कुछ दिनों बाद मिलेंगे अब हम डिवोर्स पेपर्स के साथ। और हाँ, ये मत समझना कि तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा फैसला बदल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहती थी। तुम ऐसा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। I'm good. आप कैसी हैं? सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सोच रही थी कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। Oh, that's great. इब्राहिम कैसा है? इब्राहिम की वजह से थोड़ा परेशान थी, लेकिन फिर अम्मी ने कहा कि सब मैनेज हो जाएगा। हाँ, ये भी सही है। भला नानी से बेहतर कौन ख्याल रखेगा? जी सर, ठीक है सर, फिर सी यू टुमारो। अनाया, मैंने ऑफिस से रिजाइन कर लिया, बल्कि यूं कहें कि ऑफिस वालों ने मुझसे रिजाइन ले लिया। क्यों सर? अब ये तो ऑफिस ही बता सकता है। आई एम सो सॉरी सर, बहुत अफसोस हुआ। इसमें अफसोस की क्या बात है बेटा, इट्स लाइफ, सब चलता है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, फर्क तो पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, इंसान खुद अच्छा हो तो सब अच्छा ही होता है। खैर, आप कल ज्वाइनिंग दें, मैं किसी दिन आपके पास कॉफी पीने आऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। चले, अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ बेटा? पता नहीं, ऑफिस वालों ने जहांगीर सर को टर्मिनेट कर दिया। क्यों, क्या क्या कर दिया? मतलब नौकरी से फारिग कर दिया। क्यों? पता नहीं अम्मी, जाके ही पता चलेगा। कितने आराम से बैठा है अपनी माँ की गोद में, है? खूब तंग करता है नानी को।